तो सिंध में पानी की कमी पर अरकान कौमी असम्बली भी फट पड़े। रुकने कौमी असम्बली मुनव्वर तालपुर का कहना है कि सिंध को पानी नहीं मिल रहा, बैराजेस से पानी का अखराज बहुत कम है। तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज वजारत आबी वसाइल में जो है पानी के मसले पर एक अहम इजलास हुआ और उसमें जो कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी थी उसमें सिंध के काफ़ी ज़्यादा तहफ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए। अमरवल तहफ़ुज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 91 एकॉर्ड के तहत जो शहर है उसके तहत भी पानी नहीं मिल रहा है। इस वक्त जो डिस्चार्ज है हमारे पास जो बैराजेस की वो बहुत ही पुअर है, 27,000 क्यूसिक है। काफ़ी वाराबंदियाँ हम सिंधी में कहते हैं जहाँ 21 दिन के बाद पानी मिलता है फसल को। अगर 21 दिन के बाद कॉटन क्रॉप को फसल मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट बदीन, टंडो अलायर, ये सारे इलाके ऐसे हैं कि वहाँ 21 या 15 दिन के बाद अगर पानी मिलेगा तो फिर फसल का क्या हाल होगा। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बैराज है पहले आप उनको तो पानी अपना दें, अगर आप उनके लिए डैम बना रहे हैं और आप बिजली के लिए डैम बना रहे हैं। इसका हल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बैठे, फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट इस मसले को हल करें। लोगों में बड़ी एंजाइटी है। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मुर्तजा वहाब भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, डाकू राज के खिलाफ ऑपरेशन और सिंध में पानी बहरान पर ब्रीफिंग दी गई।